हेलो, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरोवर ब्लॉग्स में। तो आज कोच भी यहीं पे है और अपना सौरभ भी यहीं है। हम लोग आज जा रहे हैं, एक बहुत ही तगड़ा चैलेंज करने वाले हैं आज। हम जाएंगे कहीं भी पहुंच पाए। अभी हम हैं नॉर्थ दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली से हम जाएंगे आज ईस्ट दिल्ली में, वो भी पैदल। टेम्परेचर कितना हो रहा है अभी, देख टेम्परेचर देख, 33 डिग्री में हम लोग जाएंगे पैदल। मतलब हमारा टारगेट रहेगा कि ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर तो हम लोग पैदल जाएं, और मतलब हम लोग कहीं पे भी गाड़ी का सहारा नहीं लेंगे। ठीक है, रेडी, लेट्स गो। तो अभी हम चलो अभी हम थोड़ा अपने गेटअप पर आते हैं, थोड़ा शॉर्ट्स वगैरह पहनते हैं, बिल्कुल थोड़ा ना मतलब लगे भी कि यार भाई लोग थोड़ा पहाड़ी स्ट्रीट, लेट्स गो। हाँ, तो अभी हम थोड़ा मैं अभी बार अपने रूम वहाँ पीज भी जाता हूँ, मैं अपना थोड़ा तैयार व्यार होकर आता हूँ। तब तक तुम लोग कर रहे हो, तब तक बने रहो, मैं यूट्यूब चैनल सरोवर ब्लॉग्स, तब तक के लिए मच। तो जाने के लिए हम लोग बिल्कुल रेडी हो गए हैं। मैं अभी जा रहा हूँ सौरभ के पीजी, और मैंने ये थोड़ा पैसा बहुत है ना आजकल, फ्रूट्स ले लिए हैं। अभी जा रहा हूँ सौरभ पीजी। तो अभी हम बस 5 मिनट में निकल जाएंगे यहाँ से अपनी टास्क की तरफ। सौरभ के पीजी से हम लोग निकल चुके हैं। हमने कितना सामान लिया, सामान दिखा ले एक बार। ये आम है, पानी है, आम है, पानी है, ये कड़ी भी नहीं छोड़ता है। देखो ये 4 बजे शाम के, देख रहे हो, 4:05 बज गए। और कुछ आएगा ना, मैं तो चीनी चाय पत्ती खा। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, तब तक के लिए मच लव। हम निकल गए हैं जीटीपी नगर। अब जीटीपी नगर से हमने कहाँ को जाना है बता सौरभ, कहाँ को जाना है? फॉलो मी। अबे 13 घंटे थोड़ी लगते हैं यार, 13 घंटे मतलब 13 भाई, 13 घंटे नहीं जाएंगे भाई, 13 किलोमीटर में क्या बोलते हैं, 2 घंटे थोड़ी लगेंगे। इनको पहाड़ी वाली चाल नहीं पता है ना अभी, तो फूल मारी धपाड़ पहाड़ी मारी, ये हमारे पीछे पड़ चुके हैं बेटा। बेटा क्या चल रहा है, तो डर लग रही है। हमारे पीछे एक लड़की थी, उसको पकड़ लिया और हम बच के आ गए। फुल का कार्टेल चल रहा है भाई, कार्टेलाइजेशन हो रहा है, देखना पीछे वो एक लड़की एक औरत इकट्ठा कर रही है सब सामान, हाँ सारे पैसे इकट्ठा करके अंदर। अबे ऐसा साईं बाबा का पूछ ले इनसे क्या होता है, दिखा। फुल मार्केटिंग गाइस, आज हम आपको दिल्ली की आंखों देखा हाल बताएंगे। आज तक आपने बात तो बहुत सुनी होगी लोगों के मुंह से कि कैसा है दिल्ली, आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाएंगे। ओ माय गॉड, जीटीपी नगर से लक्ष्मी नगर के हाल चप करेंगे यमुना के दर्शन। नहीं यमुना नहीं, हाँ लेक साइड व्यू गाइस। ओ माय गॉड गाइस, ये लेक साइड व्यू, ब्लैक वाटर फुल। दिल्ली वालों शर्म करो, जय हो। अबे ये तो वही वाली नदी है नितिन, बाल गए तेरे, बाल भी तो चढ़ा इसमें। अबे ये तो वही वाली नदी है, कौन सी बताऊं जो रन पिक्चर में उसमें नहीं बोलता है वो साला यमुना बुला के गटर में कुदवा दिए, वही वाली तो है, यही तो आता है। और ये क्या, यहाँ तो हेलमेट ही हेलमेट है। अरे वाह, अरे वाह, वो अंकल हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्या हम इतने सुंदर लग रहे हैं? अच्छा कोच हमारे साथ है ना, इसीलिए। वाओ, यहाँ पे सब मेरे को सोच रहे हैं कि मैं बहुत तगड़ा ब्लॉगर हूँ, पर इनको पता नहीं मेरे सिर्फ 600 सब्सक्राइबर हैं। पहुँचे, पहुँच गए 600? हाँ, तो ये इसको भरोसा नहीं हो रहा है। देखो अरे यार, मुझे तो लगा मुझको देखने के लिए रुके हैं, यहाँ तो रेड लाइट हुई है। और ये रहा खालसा कॉलेज, यहाँ से मेरा बहुत तगड़ा रिश्ता है। ओनली वट इज नो खालसा कॉलेज कर जाए दिल्ली में, बस यही टेंशन है ब्लॉग करने का कि फोन स्नैच ना हो जाए। लग पे आई है। और गाइस आपके लिए खुशखबरी, अग्निवीर के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, तो जल्द से जल्द जाइए और वो फॉर्म्स लिए, ग्रैब कीजिए, उसको रोल कीजिए और फिल्टर में उड़ाइए, फिल्टर बना के फूंक डालिए। गाइस एक वेबसाइट है, काम करते हैं एक वेबसाइट है, नहीं बोलते ना, एक वेबसाइट है, अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है फ्री में ट्रैवल कर सकते, मतलब रहने का और खाने का खर्चा आपका फ्री हो जाएगा। उस वेबसाइट का नाम अभी नहीं, कभी बता दूंगा जब याद आएगा। उस वेबसाइट में क्या आपको रजिस्टर करना है, उसमें क्या ना 50,000 से ज़्यादा वो है प्रॉपर्टी के मालिक जो है ना, उन्हें रजिस्टर कर रखा है। तो उसमें आप अगर
रजिस्टर कर दोगे उनको, आपको बस हल्का फुल्का काम करना है, बिल्कुल हल्का फुल्का काम, जैसे उनको हेल्प कर देनी है उनके जैसे काम में, जैसे हो गया रिसेप्शन पर तो एक दो घंटे बैठ जाना होगा, या मतलब जब आप रहोगे उसके दौरान ना, जैसे आपको थोड़ा कुछ मशीन से सामान वामान मशीन में डाल देना होगा या कुछ हल्का फुल्का काम ऐसे करना है, आपका स्टे फ्री हो जाएगा। ओ माय गॉड, जो फ्री ट्रैवल करते ना चेक करते हैं यहाँ का, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा रहता है। अभी इससे बातें करवा लो। चप है के? अबे पहले बार मतलब छोटा बच्चा था जब मैं पापा के साथ पहली बार आया था ना, तो रोड गाड़ी वाड़ी पहली बार देखी थी, चार साल का होऊंगा तो मैं रोड क्रॉस करते थे ना, तो मेरे पापा गाड़ी चलते थे, मेरा हाथ दिखा के चल देते थे, मैं नहीं 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 करके तब पकड़ रुक ही जाता था, नहीं गाड़ी ठोक देगी गाड़ी ठोक देगी। बहुत हँसी आई ना, बहुत डर लगता था, बहुत हँसी आई ना, है ना ये बात दी थी यार। और इसके बाद यार इसके बाद इतनी सारी पंच लाइन है ना, कितनी गंभीर लाइनें हैं। अभी तीन लाख ओनली बडीज नो देख वन डे कैसे सीधी सारी लग दी वन डे समझे। अरे विश्वविद्यालय पहुंचे, अभी हम पहुंच चुके हैं हमारी विश्वविद्यालय पहली डेस्टिनी, हम अपनी पहली डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं विश्वविद्यालय, यहाँ पहुंच गई है विश्वविद्यालय, और आगे की लग बने रही है मेरे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए मच लव। बहुत दूर आ चुके हैं, वो मेट्रो ली जा सकती है क्या? पूरे कितने किलोमीटर दिखा? एक। ओ माय गॉड, पूरा एक किलोमीटर दूर आ चुके हैं। रफ डे एट ब्लॉगिंग, रफ डे एट ब्लॉगिंग। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं विधानसभा मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन के बाहर ही ये लहराता हुआ हमारा तिरंगा, हमारे देश की आन बान और शान। फिर मेट्रो स्टेशन से थोड़ा ही आगे निकलते हैं, हमें ये सिंबल दिख रहा है। आप सभी के लिए क्वेश्चन है, सभी कमेंट बॉक्स में बताइए सिंबल किस चीज़ का है और इसको किसने बनवाया था, सभी कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। महंगा 4 किलोमीटर में आला डाउन हो गई है, आई पी कॉलेज पहुँचे, कितना टफ है बेटा वो लोग, कैसे चलते होंगे यार, तो कितना चल जाते हैं लोग। नुमाट शुभम, अभी नुमाट शुभम कहाँ है आप, वो सुन वो मूवी देखी तुमने? कौन सी यार वो? कौन सी? अरे वो यार शादी का साइड इफेक्ट है। अरे उरी उरी नहीं यार, जब भी मन लगाओ। अबे यार वो नहीं, भूल रहे तू यार। अबे विक्की कौशल का है वो उसमें? अरे वो तो कार्तिक को है, ये जवानी है दीवानी। अरे उसमें तो वो है वरुण धवन, भूल रहे तू। अरे नहीं यार, जिला गाजियाबाद। अरे वो वाली यार महाभारत है, उसका भाई उसका दोस्त वो है यार, भगत सिंह का वो। अरे वो यार पैदल पैदल आप समझ आए, बॉर्डर है खुला कुछ है यार, गुलाब क्या है कुछ है। हाँ जाओ पार्लियामेंट है वो, बम फूट जाते हैं गंगा जल यार, पैदल पैदल वहाँ पहुँच जाता है यार वो। अरे उधम सिंह यार, वो उसमें गाड़ी चलता है वो इंडिया से लेके गाड़ी पूरा यूरोप पार करता है। ले तब तक स्टोरी बता दे, मैं आगे को जा रहा हूँ। हेलो गाइस, इनके साथ हम न्यू ब्लॉगर है अगले साल, दिस इज कोच एम, लेट्स गो। और आज ये लोगों ने मेरे को ये कंटेंट के लिए इतना मिल्क करता है, मिल्क मतलब मार ही दिया भाई कंटेंट के लिए हमको, इसमें 11 किलोमीटर कौन चलवाता है भाई बेकार में। मैं अपने की नौकरी जोड़ के इनके साथ ब्लॉग में कंटेंट दे रहा हूँ, इन दोनों का फायदा है, एक को ब्लॉग के लिए कंटेंट चाहिए और एक को कहीं मिलने आना है, और मैं दोस्ती निभाने के चक्कर में। गाइस देखिए, देखो बाद में ये मुझे हेटर्स करके ऐसा ना बोलना कि हेटर्स ने मुझे बहुत प्रो किया, जब अगर बाई चांस भगवान करे ना करे जो भी, अगर ये गए सिविल लाइंस, सिविल लाइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट तो पार्ट पढ़ाएंगे और फैक्ट पढ़ाएंगे नितिन सिंह बोरा। चलिए बताइए, सिविल लाइंस में ऐसा होता कि कुछ नहीं बता रहे, सिविल लाइंस में ब्रिटेन ब्रिटिश इंडिया के टाइम ऐसा था कि दिल्ली सिटी थी ना, तो उसमें मिलिट्री और सिविलियन एरिया में डिवाइडेड था, तो जो सिविल लाइंस है वहाँ सिविलियंस रहते, बिल्डिंग थी मतलब सिविलियंस रहते थे, तो सिविल लाइंस बन गया, तो ऐसा था। और गाइस बॉयज विदाउट एनी रीजन, तो
चलो अभी हम बहुत थक चुके हैं, कुछ बोल रही है। हाँ ये बोलता है, इसमें बोलते हैं। अरे तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा विश्राम करेंगे, विश्राम करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। लाइटिंग अच्छी हो रही है, सनसेट हो रही है, खाना कुछ नहीं खिला रहे हैं, खिला रहे कुछ नहीं रहे, बस कंटेंट के लिए। भाई ये रिकॉर्ड ऑन, अच्छा हो रखा है, हो रखा है, मेरा रिकॉर्ड ऑन नहीं हुआ है। गाइस आप जब ऐसी सिचुएशन में दिल्ली में फंस जाएं, ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन में दिल्ली में फंस जाएं जहां आपको 10 से 15 किलोमीटर गर्मी में पैदल जाना पड़े, तो आप कुछ गलतियां मत करिए। जैसे जैसे कि पानी तो बचा के रखिए, पानी ज़्यादा मत पीजिए, उससे आप और रेस्ट बिल्कुल ना करें बीच में। आधा घंटा आइसक्रीम नहीं खानी है, आधा घंटा रेस्ट करके आए हैं, चार चार आइसक्रीम खा के आए हैं, पानी की बात कर रहे हैं, आधा बोतल पानी कर दी, और स्प्राइट ना पिए, रोल ना खाएं। ये आप कौन सा मेट्रो स्टेशन, और रास्ते में ये कौन सा मेट्रो स्टेशन बोल रहे हैं, ये कौन सा पास मेट्रो स्टेशन, ये वड्डा बेड कासने बटी कुछ जागने, नेवर गिव अप इज वेरी गुड, लेकिन कभी कभी गिव अप कर देना चाहिए यार। पूछा हमने फिर से, नहीं जस्ट फॉर यू गाइस, कभी कभी गिव अप कर देने का वो टेंशन नहीं है, जबरदस्ती शुरू करा तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा गंभीर हो जाओ यार। तो हमारा सफर यूँ ही जारी रहा, अब अगली वीडियो में देखिए हमारा टास्क कंप्लीट होता है या नहीं, तब तक के लिए मैच ना।